अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज जो हमने पढ़ना है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लास्ट टाइम हमने नॉन कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एग्जांपल देखी थी, आज पोलर कोवलेंट बॉन्ड करना है। इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हेट्रो एटम, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के दरमियान बनता है जिन्हें हम हेट्रो एटम्स कहते हैं, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम। फिर क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड एटम इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, दो डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन एक अलग कैटेगरी का एटम है, ऑक्सीजन एक अलग कैटेगरी का एटम है। तो जब इस तरह दो डिफरेंट हेट्रो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने शेयर होना है हम उनको कहेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इक्वली शेयर नहीं होंगे। इनमें से कोई एक ऐसा एटम होगा जो इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और एक कम अपनी तरफ खींचेगा। वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली देन द अदर वन, इनमें से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा कम खींचेगा। द एटम एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब वो एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को, ये दो इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयर हो रहे हैं। अब डायग्राम में आपको वाजह तौर पर नजर आ रहा होगा कि जो दो ब्लैक कलर के डॉट यानी इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा पास किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसका मतलब है ऑक्सीजन इनको ज्यादा अपनी तरफ खींचा है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस होगा दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सच एटम। तो इस तरह के एटम्स के दरमियान एक अनइक्वल अट्रैक्शन होगी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और नतीजतन जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखें ये दो डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम खींच रहा है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। The difference between the electronegativities of hydrogen and chlorine is 1.0. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जो है वो 1 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, हाइड्रोजन क्लोरीन की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। As the electronegativities of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron toward itself with the greater force. Chlorine की electronegativity ज़्यादा है तो chlorine क्या करेगा, electron जो share होने हैं उनको ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा force लगा के उन electron को अपनी तरफ खींचेगा। A partial negative charge is therefore created on chlorine. इस वजह से क्योंकि chlorine ने ज़्यादा electron को अपनी तरफ खींचा है तो chlorine के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, partial negative। ये partial का साइन है, partial negative charge आ गया। And in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference। अब chlorine के ऊपर चूंकि partial negative charge आ गया है तो hydrogen के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, partial positive, क्योंकि electronegativities का क्या है, difference। इट क्रिएट पोलैरिटी, इस वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है इन द बॉन्ड, बॉन्ड में, एंड इट्स कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी कहते हैं तो डिफरेंट चार्जेस का क्रिएट हो जाना। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, यानी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द डेल्टा साइन इंडिकेट द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डिवेलप ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर्ड और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डेल्टा का साइन आपको ऊपर नजर आ रहा है ये इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और ये कब आता है, जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, बॉन्डेड पेयर की अनइक्वल शेयरिंग हो,
अगर इक्वल शेयरिंग होगी तो फिर कोई चार्ज नहीं आएगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी एक एटम ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एक कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से फिर चार्ज आ जाएगा और उसे हम कहेंगे डेल्टा का साइन इंडिकेट करेंगे पार्शियल चार्ज कहेंगे। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं इनको पोलर कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब वाटर में भी दो डिफरेंट आइटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी दो डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में भी दो डिफरेंट आइटम है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सेम इन द केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट कर रहा है तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। By using electronegativity's value, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. वो कहता है electronegativity's की value अगर हमें पता हो तो फिर ये possible हो जाता है, हमारे लिए मुमकिन हो जाता है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि bond ionic बनेगा कि covalent बनेगा। A bond formed between elements of high electronegativity, halogen group, and the elements of low electronegativity, alkali metals, are ionic in nature. अब ऐसे बॉन्ड जो हैलोजिन यानी कि ग्रुप 17 और ग्रुप 1 के दरमियान बनते हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक बिल्कुल राइट साइड पे है पीरियोडिक टेबल के, एक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, एक ग्रुप 1 है एक ग्रुप 17 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। हैलोजिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और ग्रुप 1 के जो मेम्बर हैं अल्कली मेटल्स वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी, तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो वो उसकी नेचर आयनिक होगी। देर इज़ अ कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देंगे 17 ग्रुप के मेंबर को। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ विल बी कोवलेंट इन नेचर एज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। अब ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कम है, कंपेरेबल है, इतना डिफरेंस नहीं है, जैसे कि कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है ग्रुप 1 के हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन का ग्रुप 14 है, इतना डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू द हैलोजन, हैलोजन का ग्रुप 17 है, कार्बन का ग्रुप 14 है, इसी तरह नाइट्रोजन का ग्रुप 15 है, तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो भी कोवलेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। If the difference of electronegativities between two atoms is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond, and if the less than 1.7, the bond between the two atoms will be predominantly covalent bond. अगर दो एटम्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर डिफरेंस 1.7 से कम है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन लेकिन अनइक्वल शेयरिंग हो रही है तो पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो इस वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो पोलर कंपाउंड होंगे। यहाँ तक आप लोगों ने करना है, उसके बाद कल जो है वो ये बॉक्सेस है 4.2 का ये करवाएंगे और 4.1 ऊपर भी बॉक्स रह गया वो करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।